नमस्कार। कोविड का फेज थ्री खत्म होने वाला है और फेज फोर की शुरुआत जल्दी ही होने वाली है। यहाँ मैं एक चीज के बारे में बात करना जरूरी समझता हूँ कि अब ये जो बीमारी है कोरोना, ये लंबे समय तक हमारे साथ रहने वाली है। क्यों रहने वाली है? क्योंकि नंबर ऑफ केसेस बहुत बढ़ चुके हैं और आपको मालूम है मजदूरों का बड़ा दुखद इशू ऑलरेडी चालू है। हमने जब शुरुआत किया था लॉकडाउन का, उस समय स्थिति ऐसी थी कि 300, 400 या 100 पेशेंट्स हमारे कंट्री में हुआ करते थे, तो पॉसिबल था कि हम बीमारी को चारों तरफ से घेर करके उसको वहीं ख़त्म कर दें जैसा चाइना ने किया। हालांकि उन्होंने कब कर पाया? जब 82,000-83,000 तक केसेस उनके हो गए थे। शुरुआत उन्होंने पहले ही कर दी थी, परंतु 82-83 तक जाते जाते उन्होंने पूरी तरह कंट्रोल कर लिया। कुछ और कंट्री जैसे ताइवान ने इसको पूरी तरह कंट्रोल कर लिया, पर वो क्यों कर पाए? क्योंकि वो ऑर्गेनाइज्ड थे, उन्होंने जांचें काफ़ी अधिक की, उनकी जो पब्लिक थी कोऑपरेटिव थी, वो कोऑपरेट कर रही थी, उसको सीरियसनेस पता थी, पढ़ी लिखी थी, एजुकेटेड थी, और हमारे यहाँ की जैसी फलती फुलती डेमोक्रेसी वहाँ नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ तो हम कुछ भी शुरू करते हैं उसका अपोज पहले शुरू हो जाता है। मैं लॉकडाउन में आपको मास्क पहनना है तो कई लोग खड़े हो जाएंगे, हम मास्क क्यों पहने? तो पहले रिटेलिएशन शुरू हो जाता है। अब ये चीज़ धीरे धीरे जब लोगों को समझ में आई, और दिल्ली का तो इंसिडेंस आपको मालूम ही है, निजामुद्दीन का, वहाँ तो लोग समझना ही नहीं चाह रहे थे और एक कम्युनिटी विशेष समझना ही नहीं चाह रही थी। उनको ये लग ही नहीं रहा था कि ये धर्म जात पात कुछ भी देखता नहीं, ये पूरी ह्यूमैनिटी को के लिए एक तकलीफ है, ये उस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे थे। तो वो क्यों हुआ? एजुकेशन, उसके बाद में फॉल्स बिलीव, हाँ, एकदम अंधा ट्रस्ट धार्मिक चीज़ों के ऊपर। तो इन चीज़ों के कारण क्या हुआ, जो कोविड के 40 50 60 पेशेंट पर डे के आते थे, इस अनजाने के अंदर भाई लोग इसको उठा के ले गए 300 केसेस, 1,500 केसेस पर डे, और हमारी ये संख्या पहुंच गई कोविड केसेस की इंडिया में लगभग 15,000। उसके बाद में धीरे धीरे जब लोगों की मौत होना शुरू हुई और धर्म विशेष को लगा कि ये तो हमारे ही लोग ज़्यादा इसके अंदर सफ़र हो रहे हैं, तब उनको रियलाइज़ हुआ कि भाई ये बीमारी किसी धर्म को देखती नहीं, किसी इंसान को देखती नहीं, ये तो जो इसके सामने आएगा उसको रौनती हुई निकल जाएगी। तो फिर जब उनकी समझ में आया और हम उस हिसाब से कंट्रोल करने आगे बढ़े, और इसके अंदर कई गवर्नमेंट्स ने अपने एक सेक्टर को अपीज करने के लिए उन पर कंट्रोल ही नहीं किया, कुछ एक स्टेट्स ने एकदम डंडे के जोर पर उसको कंट्रोल किया, पर बाकी के लोगों ने डंडा उठाना उचित नहीं समझा, उनको वोट बैंक का डर लगा, और इस चक्कर में वो जिन बॉटल तोड़ करके बाहर निकल गया। अब इसके बाद में जो लोग घरों के अंदर बैठे थे, 70% लोग घरों के अंदर थे, 10-15% लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे, और 10% क्या उससे भी कम लोग, 3-4% लोग, 5% लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे थे, जरा भी नहीं कर रहे थे, उनको समझ में ही नहीं आ रहा था, या जो आप बोलेंगे वो उसका अपोज करने में लगे थे। तो जो 70% लोग घर में बैठे हुए थे, धीरे धीरे उसमें से 10-15% 20% जो मजदूर वर्ग था, उसका पैसा और उसका सब्र का बांध जब तक एक कम्युनिटी विशेष को समझ में आता तब तक वो टूट चुका था। तब हमारे यहाँ पर पेशेंट्स का नंबर 15,000 तक पहुँच गया था, रोज के 1,500 केस आने लगे थे। उसके बाद में जब लोगों को ये बात समझ में आई तो हम लोगों ने उस जगह तो काबू कर लिया, पर बाकी जगह पर ये पूरी तरह से फैलाव देखने में आने लगा। और आज स्थिति ऐसी हो गई है कि जो मजदूर सड़कों पर रेले के रूप में निकले हैं, और जो ट्रेनों में भर भर के या फिर दूसरी जगहों पे बसों पे पैदल, जो कि काफ़ी दुखद भी है, कई जगह पे एक्सीडेंट के भी इंसिडेंसेस आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो गई। अब ये जिन्न पूरी तरह से बाहर निकल चुका है। तो निजामुद्दीन का इंसिडेंस, उसके बाद में ये मजदूरों का इशू, इन दोनों ने मिलकर के पिक्चर को ऐसा कर दिया है कि अब हमको अपना जीवन कोविड के साथ ही निकालना पड़ेगा जब तक वैक्सीन बन नहीं जाती। और हमारे यहाँ तो चलो ये दो इशू हुए हैं, अब इनको भी ज़्यादा दोष देके खींच के फायदा नहीं, गड़े मुर्दे में
ज्यादा देख करके फायदा नहीं, क्योंकि ये बाकी के भी कई कंट्रीज में हुआ। चाइना ने इसको कंट्रोल कर पाया ताकत के जोर पर, वन मैन शो। अब हमारे यहाँ डेमोक्रेसी के अंदर लोग अपने अपने वोट बैंक के लिए इस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाए और अभी भी नहीं कर रहे। दूसरे कंट्रीज के अंदर कई दूसरे रीजंस बन गए। तो अब कुल मिला के स्थिति यह है कि कोविड हमारे बीच रहने वाला है, तो हम प्रिकॉशंस लें, अपनी इम्यूनिटी को बिल्ड करें। मैं एक सेपरेट वीडियो बना करके दूंगा जो कि इम्यूनिटी के ऊपर है। इम्यूनिटी हम अपनी बिल्ड करें, प्रिकॉशन लें और अब अपनी इकोनॉमी को बचाएं। हर इंसान अपनी इंडिविजुअल फैमिली की, अपने बिजनेस की, अपने बिजनेस में इन्वॉल्व साथियों की, अपने लोगों की इकोनॉमी को बचाएं, फिर कंट्री की इकोनॉमी को बचाएं। गवर्नमेंट डिजायर्ड सपोर्ट कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट डिजायर्ड सपोर्ट कर रही है। आई होप वी कुड डू दिस। पर हमको कल भी, आज भी और आने वाले कल भी सबको मिल करके परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, चाहे कोई भी धर्म से हो, कोई भी जात से हो, इसमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अपनी इकोनॉमी को संभालना पड़ेगा, साथ के साथ में कोविड के जो केसेस हैं उनको भी कंट्रोल रखना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो भी लिमिटेड हैं। गवर्नमेंट ने इस 1.5-2 महीने के अंदर फैसिलिटीज़ को बिल्ड किया है, डेवलप किया है, पर ऐसा नहीं किया कि अगर आप पॉपुलेशन का 3% आदमी हॉस्पिटल पहुंच जाए तो हॉस्पिटल मैनेज कर पाएगा, नहीं हो पाएगा। मैंने कई जगह पे देखा पेशेंट ब्रिज तक के नीचे आ गए हैं, ऐसी स्थिति हो गई है। तो हमको उसी स्थिति में उतना ही डिजायर्ड लॉकडाउन को ओपन करना पड़ेगा, जो हमारी इकोनॉमी को बचाने के लिए भी जरूरी है और साथ में उतने ही नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ें जो हमारी मेडिकल फैसिलिटीज कोप अप कर पाए। तो ये रेस्ट्रिक्टेड लॉकडाउन का फेज शुरू होगा, लॉकडाउन नंबर 4 के बाद में, 4 से शुरू होगा। धीरे धीरे मार्केट ओपन होंगे, हमको प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी, इकोनॉमी संभालनी पड़ेगी और साथ में हैंड टू हैंड कोविड के साथ में कोप अप करना सीखना पड़ेगा। थैंक यू।